मेटास्टिक सेल्स था जो मल्टीपल ग्रो करता है, बड़ी स्पीड में फैलता है। फिर उन्होंने बायोप्सी कराई, जैसे टुकड़ा लेते हैं मांस का, ऐसा भी बायोप्सी करी। फिर बताया मुझे ऐसा है, एक इंदौर में मैंने इलाज करवाया था उनका, जब पहले तो उन्होंने जांच करा, पानी निकाल के और जांच करी थी उन्होंने। इसके बाद उन्होंने बोला अपन टीबी का ही जो चल रहा है टेबलेट आपको बंद नहीं करेंगे, इसको भी साथ में चलाएंगे। कितने दिन में फर्क लगने लगा था? 4-5 दिन में लगने लगा सर। 4-5 दिन बाद वो खुद चलने नहाने लग गई और चलने और खाना खाने लग गई, चलने फिरने। 4-5 दिन में ही चलने लगी और नहाने लग गई, जबकि बताया जाता है कि लगने के बाद, थेरेपी लगने के बाद आयुर्वेद का कोई महत्व नहीं है। बताओ जी आपका नाम क्या है? मैं महेश परमार हूँ, एमपी से। महेश परमार, एमपी। एमपी में कहाँ से? एमपी सीवर जिले से हूँ मैं, और आष्टा तहसील में रहता हूँ। सीवर जिले के आष्टा तहसील, आष्टा तहसील के गांव में रहता हूँ। गांव में रहते हो। और पेशेंट का नाम? वाइफ है मेरे, रामसभा नाम है इसका। रामसभा नाम इनका। उम्र उनकी 46 है जी सर। आपकी मिसेज, आपकी घरवाली है जी सर? ठीक है जी। मेरे पास आया तो आपका केस बताया गया था लंग्स, और वो भी मेटास्टिक सेल्स था जो मल्टीपल ग्रो करता है, बड़ी स्पीड में फैलता है, ये बताया गया था आपको। कि भी पॉसिबिलिटी नहीं है इसमें, और सिर्फ लाइफ को एक्सपेंड की जा सकती है, यही बताया, यही बताया था। इसके अलावा नहीं, जब ज़्यादा दिन हम नहीं कह सकते ठीक कर दें। वो केस था पेशेंट का, और इन्होंने एक मो ले लिया था। आपको हॉस्पिटल जाना क्यों पड़ा? सर उसको सिर में प्रॉब्लम थी, सांस और खांसी, दो यही प्रॉब्लम थी। खांसी मेन तो खांसी थी, उसके साथ कुछ साज भी चल रही थी। तो उसका इलाज कराया, तो पहले तो उन्होंने बताया कि इसको टीबी हो गई, तो टीबी का इलाज चालू कर दिया। कितने दिन चला टीबी का? चला कम से कम 2 महीने तक टीबी का चला, टीबी का ट्रीटमेंट चला। उसके बाद? इसके बाद भी फायदा नहीं हुआ, तो उन्होंने बोला इनमें पानी घुस गया है, तो उन्होंने पानी भी निकाला, कम से कम 3 लीटर पानी भी निकाला फेफड़े से। इसके बाद भी फायदा नहीं हो रहा था, फिर उन्होंने बायोप्सी कराई, जैसे टुकड़ा लेते हैं मांस का, ऐसा भी बायोप्सी करी। फिर वो बताया इनको कैंसर है, ये कैंसर है। पहले भी तो जांच हुई होगी आपकी, जब टीबी की दवाई चली थी? हाँ, तो वहाँ पर नॉर्मल आया। इसके बाद भी बोला कि टीबी की बंद नहीं करी, टीबी की चलने, तो हो सकता है कि टीबी जांच में नहीं आई होगी, फिर भी टीबी का चलता रहा कंटिन्यू। टीबी के साथ साथ वो कैंसर का भी चलता रहा। जो पानी लिया था ना उससे जांच करी थी, तो उसमें टीबी नहीं आई थी, इसके बाद भी उन्हें टीबी का चला इलाज। अच्छा, देखो इनकी बात समझने की कोशिश करना, ये कह रहे थे कि उस जांच में ट्यूबरक्लोसिस नहीं आया था, लेकिन उन्होंने बोला कि फिर भी दवाई चला होगा, यानी डॉक्टर का कॉन्फिडेंस था, यही कह सकता हूँ। हाँ, जो भी है। तो उस, आपको पता है कि उसकी दवाई के भी साइड इफेक्ट है, हैवी एंटीबायोटिक है। तो भाई पूरा रिपोर्ट्स क्लियर होने दो, अगर आप लोग रिपोर्ट्स के माध्यम से ट्रीटमेंट करते हो तो पूरा क्लियर होने के बाद ही तो कोई दवाई चला सकते हैं ना। जैसे आपको बता दें कि ये बीमारी आपको नहीं है, सबसे बड़ी बीमारी सी है, और आपको दवाई खिला दी जाए, तो देखो अगर तुम्हारा ट्रीटमेंट रिपोर्ट्स के आधार पर चलता है तो रिपोर्ट्स क्लियर होनी चाहिए। और मैं तो रिपोर्ट्स नहीं करवाता, मैं तो बॉडी के आधार पर करता हूँ। लास्ट में भी मेरे पास पेशेंट ठीक भी हो रहा है तो भी रिपोर्ट्स के लिए मैं नहीं बोलूंगा। तो आपके पेशेंट को उन्होंने टीबी की दवाई खिलाई? हाँ, दीदी खिलाई, रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी खिलाई। नेगेटिव आने के बाद भी खिलाई, ठीक है। रिपोर्ट्स तो रखी ना आपने? हाँ, क्योंकि आपका चेहरा भी इसमें डला हुआ है और आपकी एड्रेस भी है। पूरी भी देखती तो कल को आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे जी। नहीं नहीं, तो आप अगर झूठ बोलोगे तो आप ही जिम्मेवार हो। नहीं सर, मैं तो डॉक्टर से भी बोल, इंदौर में मैंने इलाज करवाया था उनका, जब पहले तो उन्होंने जांच करा, पानी निकाल के और जांच करी थी उन्होंने, ठीक है। तो एक सत्य ही रखेंगे सबके सामने। इसके बाद भी उन्होंने बोला अपन टीबी का ही जो चल रहा है टेबलेट आपको बंद नहीं करेंगे, इसको भी साथ में चलाएंगे, ये भी साथ में चलाएंगे। फिर आपको जब सीए क्लियर हो गया, क्योंकि इससे ठीक नहीं हो रहा था वो दवाई खाने के बाद से, तो टुकड़ा लेने के बाद आपका क्लियर हो गया कि सीए है। उसके बाद? उसके बाद सर उन्होंने बोला कि अपन तो थेरेपी देते हैं, इस टेबलेट से ये कंट्रोल में हो जाएगा। अच्छा। तो उन्होंने 1 महीने तक टेबलेट दी, टारगेट थेरेपी भी चली। हाँ, टारगेट थेरेपी चली। इसके बाद में फिर ले गया, आराम नहीं लगा, तो उन्होंने बोला यार वो कीमा लगाएंगे उससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, कीमा और सिकाई करेंगे आगे चल के, तो आप कीमा लगाओ। वो सिकाई बोले कि अभी इसमें थोड़ा पानी फेफड़ा, सिकाई अपन बाद में करते, पहले कीमा चालू कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद में मोबाइल पे परेशान रहता था, तो मोबाइल पे सर्च कर रहा था कैंसर संबंधी अगर कोई इलाज मिले। फिर लगाने के बाद फिर क्या? लगने के तुरंत ही तो पलंग गाड़ी लेके आना पड़ा उसको, तो पेशेंट चल के गया था, चल के गया था। अच्छा, लेकिन लगने के बाद तो उसको गाड़ी में लेके आना पड़ा और उसने खटिया पकड़ ली। देखो ये बता रहे कि जब पेशेंट हमारा चल के गया था, और पहले भी इन्होंने जो दवाई खाई उससे भी इनका खांसी ठीक नहीं हुआ, सिर्फ खांसी के लिए गए थे, फिर दम उठने लगा था इनका, सांस में प्रॉब्लम हो गई थी। तो जो इन्होंने ट्रीटमेंट बताया उस सिर्फ ट्रीटमेंट के बाद, उस एक थेरेपी के बाद इनका पेशेंट उसी टाइम बिस्तर पर आ गया। वहां से आप लोग गाड़ी करके लाए, गाड़ी करके लाए और उसको घर छोड़ा। वो जब आपका वीडियो देखा तो मैं भी सीधा यहाँ गया, क्योंकि मेरा वीडियो तो आदमी खोज क्यों करेगा, जब आपका पेशेंट को आराम मिल जाता है उसी से, तो आप शायद किसी वीडियो को नहीं देखते। नहीं देखता सर, मानते हो ना। जब इनको प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि भी जो इलाज करने गया था उससे तो मेरा पेशेंट की ज्यादा हालत खराब होगी, तब इनको कुछ भी देखना पड़े, कहीं भी भगवान का मंदिर भी कुछ ही होता है जी लास्ट में। और आयुर्वेद का नंबर उसी के बाद आता, जब भगवान की याद आती ना तब आयुर्वेद की तरफ लोग मुड़ते हैं कि चलो जी अब इनको भी देखते हैं।
और भगवान ने अगर नहीं ठीक किया तो उसको भी घर से निकाल देते हैं। नहीं सर, ऐसा हुआ है जी? जो कान्हा की पूजा करती थी और वो कही कि मेरा बच्चा अगर ठीक नहीं हुआ तो मैं इन कान्हा को घर फिर से बाहर फेंक दूंगी। अब बताओ, भगवान को भी घर से बाहर फेंक दें तो हमारी क्या औकात है? तो उस समय इन्होंने मेरा वीडियो देखा, सर्च किया, कुछ भी मिले तो सब लोगों का वीडियो आया होगा। हाँ सर आया, बड़े बड़े धुरंधर भी आया सर। मेरे को आपको वीडियो पे विश्वास हुआ, मैंने मेरे वीडियो पे विश्वास क्यों हो जाता है? सर ये आयुर्वेदिक था, मैंने देखा कि आयुर्वेदिक वीडियो है। आयुर्वेदिक तो और भी संस्थाएं हैं, होगी सर, लेकिन मैं जो आपका वीडियो देखा तो जब वो लोगों को भी आपने जो वीडियो डाला था वो ठीक हुए है तो मैंने यहाँ से अपना इलाज मिल सकता है। वीडियो तो झूठी भी बन सकती है। नहीं सर, मेरे को अंदर क्यों क्या लगा कि ये वीडियो सही है और ये अपना वहाँ आराम मिलेगा। आज आपकी भी वीडियो बन रही है? हाँ सर। ठीक है, तो वीडियो ऐसे ही बनती है हर बंदे के चेहरे के साथ, ठीक है? तो प्रमाण के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, चेहरा बोल रहा है और एड्रेस बोल रहा है। तो आपके पेशेंट को मेरे पास जब आया तो प्रॉब्लम बताया था आपने, कमजोरी बहुत ज्यादा थी। हाँ, पेशेंट बेड पर था, बेड पर था, ठीक है, और साइड चेस्ट में पेन था, पीठ में दर्द था, खाना नहीं खा पाती थी, पेट साफ नहीं होता था, चार चार पांच पांच दिन तक पेट साफ नहीं होता था, ठीक है, सूखी खांसी थी और बुखार कंटिन्यू रहता था। बुखार तो बंद, और आपने बोला टोटल ट्रीटमेंट में मैंने 3 लाख रुपए लगा दिए थे। देखो 3 लाख लगाने के बाद मतलब पेशेंट की और भी ज्यादा हालत खराब हो गई जी सर। तो वहां पर आपने क्वेश्चन नहीं किया कि भैया आप लोगों ने जो पैसे लिए 3 लाख, अरे 1% तो आराम मिलना चाहिए था। अरे सर वो बात ही नहीं करते, डॉक्टर साहब बात करें कि हॉस्पिटल में घुसने नहीं थे पहले तो उनके केबिन के ऊपर बस लिख देता फाइल पे जाओ वहां पर। वहां पर कोई भी सवाल उठाने नहीं देता, ना ही कोई जवाब देगा आपको। अरे यहाँ पर सारे सवाल आते आयुर्वेद से क्यों फिर? हम तो पेशेंट के आप किस कंडीशन में आ रहे हैं तो फिर हम सवाल का जवाब क्यों दे आपका कि कितने दिन में ठीक कर दोगे, कितना पैसा लोगे, अरे 20 दिन में कुछ तो आराम मिलेगा ना आपकी दवाई से, किस भरोसे पाएं हमसे सारे क्वेश्चन क्यों सर? सर वो लोग मूर्ख है सर, वो तो जब वहाँ नहीं करते यहाँ भी नहीं करना चाहिए उनको यहाँ। अरे 20 दिन में मैंने क्या ले लिया आपसे? 3 लाख उन्होंने आपसे लिया, 90% डैमेज हो गया। तो हो गया सर, अगर एक की मोर लगा देते तो खत्म हो जाता सर अब बिल्कुल। ये इनकी स्टेटमेंट है डॉक्टर साहब, वो डॉक्टर तो पहले दस्तखत करवा ले। हाँ, तो अगर दस्तखत नहीं करवाऊँ तो मुझे भी नहीं बख्शोगे आप। ट्रीटमेंट किया उस दौरान आपके पेशेंट की डेथ हो गई तो कोई समाज आपको कुछ नहीं बोलेगा, आपका परिवार में कुछ नहीं। आपका बच्चा अगर मान लो कि आपका इलाज मेरे से करवाया और एलोपैथ में नहीं गए तो पता क्या बोलेगा? अगर नहीं ठीक हुए तो कि पैसे के लोभ में आयुर्वेद में चले गए थे, पैसे खर्च नहीं करना चाहते थे। यार जिंदगी भर आपने कमाया और इनको खिलाया, आज पेशेंट बीमार है तो अपनी जमीन के पीछे देख रहे हो, गहने देख रहे हो, अरे बेचो ना बोले इसको। सब बिकवाने के बाद भी अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर इनको शाबाशी भी मिलेगी, अरे बहुत पैसा लगा दिया, कोई बात नहीं जाना था चले गए। लेकिन आयुर्वेद में अगर आपकी डेथ हो जाए ना तो डॉक्टर को भी नहीं बख्शा जाएगा और आपके बेटे को भी नहीं बख्शा जाएगा। इसलिए वीडियो बना रहा हूं कि आयुर्वेद में पेशेंट की किसी तरह से मिसहैपनिंग नहीं होनी चाहिए, और अगर एलोपैथ में पेशेंट की डेथ हो जाती है तो वहां पर आपके डेड बॉडी के लिए भी आपको पैसा देना पड़ेगा। देना पड़ा सर वो तो समय, और डॉक्टर भी समय कहाँ देते आपके यहाँ? तो उस दिन में मैं आया था, पहली बार आया था, सुबह 11 बजे से 6 बजे छोड़ा था आपने पूरा। कितना समय देता हूँ देख लो, और वहाँ 2 मिनट देते हैं सिर्फ, वो भी नंबर लगा था 2 घंटे नंबर के बाद आता, 2 मिनट देते हैं और जाओ ये। अरे चिकित्सा तो आपके घर में भी करवाना पड़ेगा आपके पेशेंट को भी, अगर ऐसी ट्रीटमेंट है तो डॉक्टर को भी आना पड़ेगा ना। क्या डॉक्टर क्या मशीन के हैं? क्या वो बीमार नहीं होंगे उनके घर में? तो ऐसी चिकित्सा तो आपको भी चाहिए थी ना। तो ये वीडियो सिर्फ मेरे लिए नहीं बन रही है, सभी लोगों के लिए। इनके घर जाओ, इनका चेहरा देखो, पूरा एड्रेस दिया है, और आपके पेशेंट को तो पूरा आसपास पड़ोस में जानते होंगे ना सर? सब जाने सर, अब भी वो घूमती फिरी मिलेगी आपको, बच्चे के साथ इधर उधर अब खेलने लगी है। अब पेशेंट जो बिस्तर पर था ना, अब कहते हैं खेलने लगी है, मतलब बच्चों के साथ। अब उनको पहले तो लैट्रिन बाथरूम भी उठा के ले जाते होंगे, बहुत खराब हालत हो गई लगने के बाद तो बिस्तर पर आ गई थी वो। लेकिन आपको डिसीजन लेना कि क्या लगाना। यहाँ पर लोग आते हैं जी अभी एक बच रही है डॉक्टर साहब, क्या वो लगवा लें? और आप कहते हो तो हम वो नहीं लगवाएं। अरे मैं क्यों कहूँगा, पूरा लगवा लो आप। जब आपको लगे कि अब पेशेंट की लास्ट कंडीशन आ गई है कि अब तो शमशान घाट बचा है, तो लकड़ी डलवा के आ जाना कि भाई हम जा रहे हैं अटेली वाले डॉक्टर के पास और देखेंगे, अगर बच गई तो ठीक है भैया, नहीं तो तुम लकड़ी का हिसाब किताब रख लो। ऐसी ऐसी बातें मैंने वीडियो में इसलिए बोली है, मेरी मजबूरी है, क्योंकि इतनी रिकवरी के बाद भी लोग मुझे कई सवाल करते हैं और इस संस्था पर शक करते हैं। करो आप लोग। तो मैंने आज पेशेंट की जो रिकवरी की बात बताता हूँ कि अभी टोटल आपको कितने दिन हो गए दवाई लिए हुए? हाँ 20 दिन हो गए। टोटल 20 दिन हुए हैं, तो 20 दिन में आपके पेशेंट को कितने दिन में फर्क लगने लगा था? 4-5 दिन में लगने लगा सर, 4-5 दिन बाद वो खुद चलने नहाने लग गई और चलने और खाना खाने लग गई, चलने फिरने। 4 से 5 दिन में ही चलने लगी और नहाने लग गई, जबकि बताया जाता है कि लगने के बाद, थेरेपी लगने के बाद आयुर्वेद का कोई महत्व नहीं है। कहा जाता है ना जी
ये बात तो सब लोगों ने सुनी होगी, अरे इसके बाद क्या आयुर्वेद में जाना, क्या चूर्ण वाले करेंगे। ये कहते हैं चौथे दिन वो हाँ आराम लग गया उसको। सही बोल रहे हो सर, जवाब सारा सब झूठ करने में तो आता क्यों डबल में। हर पेशेंट की मेरी हर वीडियो में यही बात बोली गई है। तो रोगी जो बिस्तर पर था वो घूमने लगा, खाने लगा, अपना काम खुद ही करने लगा। पहले तो भूख भी नहीं लगती थी, नहीं लगती थी सर, बिल्कुल खाना नहीं खा पाती रही थी। कैसे खिलाते थे पहले, क्या खिलाते थे आप? पहले उसको रोटी खाते, एक आधी रोटी बड़ी मुश्किल से खाती, सेवफल वगैरह कुछ भी बाजार से लाकर नहीं खिलता था। उससे बोले भूख ही नहीं, मेरे को भूख ही नहीं लग रही, क्या करूं। जबरदस्ती देते थे कि कुछ खा लो, जिंदा रहना। हां बस ऐसे ही। पेशेंट की इच्छा नहीं थी कि एक निवाला भी मुंह में ले ले। और अभी तो दो रोटी खा रही सुबह शाम, दो रोटी खा रही, और उसको भूख भी लग रही। बोले कि मेरे इच्छा हो रही और खा लो, मैंने खा तो तीन बार खा मैंने। सही है, अब पेशेंट दो दो तीन तीन बार मांग रहा है और भूख लगने लगी है। ये तो सिर्फ चार पांच दिन की बात कर रहे हैं जी, अभी आपके सामने और बात चलेगी। चार पांच दिन में वो पेशेंट खाना पीने लगा, घूमने लगा, और बुखार जो होता था फीवर वो खत्म हो गया। बुखार फीवर खत्म होने का मतलब समझते, इन्फेक्शन जो बॉडी में बन गया था वो खत्म हो गया, तो फीवर उतर गया। ये बात कह सकते हैं ना कि चौथे दिन अगर पेशेंट खाने लगा तो इसका मतलब आयुर्वेद से ठीक हो रहा, तो इतनी बड़ी बीमारी नहीं थी। इन्होंने आपको बताया कि वो ट्यूबरक्लोसिस नहीं है, लेकिन फिर भी आप खा लो। हैवी एंटीबायोटिक दिया जो आपके शरीर को भी डैमेज किया, उसके बाद आपको सीए क्लियर किया, उसके बाद जो आपको थेरेपी दी गई उसने वो डैमेज कर दिया, डैमेज कर दिया उसने। और इनका कहना है कि अगर एक और लग जाता ये थेरेपी तो नहीं बच पाती हो, तो खतरनाक उसका रिएक्शन, उसके बाल भी खिला रही। एक ही थेरेपी ने उसके बाल भी खिर गए हैं, उसके बाल खिलने लगे हैं सर के। बाल गिरने लगे हैं एक ही में, एक ऐसी हालत है। तो हम एक बात कहेंगे कि आज आयुर्वेद को बचाने के लिए ही वीडियो बन रहा है, और एक सच्चाई बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे साथ कोई षड्यंत्र जरूर हो रहा है। मेरे पास अगर पेशेंट ठीक हो रहा है तो ये बात खुलासा कर सकते हैं। हाँ सर, अगर सही वक्त पर इसको नहीं पहचाना गया तो शायद आपका नंबर भी आएगा अगला। अभी तो आपके घर में नहीं होगा कोई पेशेंट, क्योंकि आज सिर्फ खांसी की वजह से गए थे। हाँ, खांसी की वजह से गए सर, सिर्फ खांसी की वजह से गए थे। उसके इन्फेक्शन बना और पेशेंट को फ्लूड बना। हाँ। जो इन्होंने बता रहे कि पानी निकलवाया। हाँ, पीछे से पानी सुई डाल के पानी निकाला, हम तीन चार लीटर तक पानी निकाला। और इसमें भी डॉक्टर का कसूर नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि डॉक्टर जो होता है वो कहता है कि आप जांच करा के लाओ। तो लैब वाले ने जो रिपोर्ट्स बनाया उस पर चलता है, तो कई बार डॉक्टर कहते हैं हम क्या करें। तो इनके रिपोर्ट्स में तो बीमारी निकली भी नहीं थी। हाँ, नेगेटिव आई थी इसके बाद भी डॉक्टर ने चला। तो आप लोग ऐसा ना करें, टोटल ट्रीटमेंट रिपोर्ट्स पे ही चलता है, तो बिना रिपोर्ट्स क्लियर हुए आप लोग भी किसी को मेडिसिन ना दें, क्योंकि ये सवाल इनके मन में उठेगा। तो मैं कहता हूँ क्लियर हो, हम तो रिपोर्ट्स को नहीं मानते, क्योंकि यही जो इलाज मैं कर रहा हूँ। पहले जब लैब नहीं था तो ये सारे MBBS BMS डॉक्टर सभी लोग जीभ देखते थे, ये बात तो आपको पता होगा ना जी। आपकी उम्र कितनी है? 65 साल। जब आप छोटे थे, जब हॉस्पिटल जाते थे तो कोई लैब था क्या, खून की जांच होती थी क्या, कैसे करते थे? आपकी सरकारी हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ जी। मैं यही था ना जी, तो उस समय था ना चिकित्सा, तो झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ मैं। वही चिकित्सा का ज्ञान हमें दिया गया, पर हम उसी के आधार पर कर रहे हैं कि बॉडी में क्या क्या दिक्कत है। तो इन्होंने जो जो बताया आज वो सारी दिक्कतें 80-90% ठीक है। हाँ सर, थोड़ा भी थोड़ा पेन है बस, और एक खांसी बहुत कम है, खांसी बस, दो चीज, दो ही चीज बची है। तो लगा था तो उस पेशेंट को लगा लो कि अभी तो 20 दिन हुए हैं। हाँ, 20 दिन पर वो लगा के ही आए थे आप, वो लगा के इधर आ गया था मैं दूसरे से। तो अभी तो उसके बॉडी के अंदर आपको पता कितनी हैवी एंटीबायोटिक दी गई है, कितना रिएक्शन होगा बॉडी के अंदर। अगर 20 दिन में आराम मिला तो मैं आगे दवाई देता हूँ, और 20 दिन में अगर नहीं आराम मिला तो मैंने आपको बोला था कि आना भी मत। बोला था सर। देखो, आपको एक जांच के भी वहाँ पैसे लगते हैं, उससे तो कोई फायदा नहीं होता है ना। 20-25 हज़ार की जांच होती है, ठीक है। तो आज जो आपको दवाई दी उससे आपके बॉडी का ही फर्क मिल रहा है। तो यही जांच हुआ या फिर वो? बहुत सारे सर, पेट स्कैन भी करवाए थे 20 हज़ार की, वो भी करवाए थे। उससे फायदा क्या मिला फिर? कुछ और, कुछ भी नहीं हुआ ना, जांच काम ही नहीं आई हो तो। तो मैं आपको लूट रहा हूँ? नहीं सर, क्योंकि कई लोगों ने इस बात को रखा है, तभी मैं बात रख रहा हूँ कि आज आयुर्वेद की कुछ चिकित्सकों ने, आयुर्वेदिक के कुछ धुरंधर लोगों ने आयुर्वेद को बदनाम करने का काम किया, इसी वजह से मुझ पर भी सवालिया निशान उठा। अच्छे लोगों को चयन करो, अच्छे लोगों को पहचानो, उसके बाद चिकित्सा करो। आपको कोई ऑनलाइन दवाई देता है तो मत लो, उस संस्था पर पहुंचो, वहां पर सारी जानकारी लो, उसके बाद ही अपना ट्रीटमेंट चलाओ, ठीक है। मैंने 20 दिन का रखा, 20 दिन में ही सभी वीडियो के बाद सब पेशेंट की आगे रिकवरी मोड पर चलते हैं। जो आयुर्वेद को लेकर क्वेश्चन थे शायद आप लोगों के खत्म हो गए होंगे, कि आपके इसीलिए आप सबके सामने वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। अब तो वो डर नहीं है ना? नहीं नहीं, सब खत्म हो गया डर तो। ये आपने एक और बात बताया कि जब सिर्फ नाम आया था कि आपकी पत्नी को कैंसर है। हाँ, कैंसर तो उसका तो खैर वेट कम हुआ था, लेकिन मेरे को 10 किलो वेट कम हो चुका है।
तो इस उस दिन मैं आया था तो रोता हुआ आया था रास्ते में, मेरे को ट्रेन में आया था तो ट्रेन में भी जब दिमाग को बात आती थी तो उसमें भी रोना आ रहा था बिल्कुल मेरे को, जहाँ जा रहा हूँ पता नहीं कैसी चिकित्सा है, ठीक है आयुर्वेद पर कैसे विश्वास करूँ, तो ये अंदर से रोते हुए आए थे और आज रोना नहीं है। नहीं नहीं आज नहीं है ऐसा मेरे को, बोले आज खुशी की ही, खुशी की ही जो ये बात पूरे परिवार में अब तो वो रोना नहीं है ना। नहीं नहीं बच्चे अभी छोटे हैं, अभी सगाई वगैरह कुछ भी नहीं, मतलब अभी 12-13 साल के बच्चे, 12-13 साल के बच्चे, और उस समय लगा कि कौन सा मोड़ पर खड़े हो गए और कैसे किसकी चिकित्सा पर जाएं और किस पर विश्वास करें। एक बड़े हॉस्पिटल पर गए थे तो उन्होंने ये हाल कर दिया, तो मेरे पर कैसे विश्वास करते। तो अब तो सारे सब बच्चे भी खुश हैं सर, सब ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। आपकी पत्नी की जिंदगी मुबारक हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।